तो जी अभी हम हैं हैदराबाद के अंदर। ओके, थोड़ा सा शुरू सही लग रहे हैं भाई। लाइटिंग हल्की है ना यहाँ पे, हल्की इसलिए ऐसे दिख रहे हैं। ये जी अपना रूम देख लो, बहुत बड़े तरीके से एंजॉय कर रहे हैं। हम इंतजार कर रहे हैं अपनी बारी का। हो चुके हैं अब हम एक बिल्कुल नई जगह पर और उतर रहे हैं अभी ट्रेन से। अपने टिकट विकट भी दिखानी पड़ी है यहाँ पर, तो बस घर दिखानी पड़ती नहीं है। देखो ये अपना प्लेन है, ये भी आ चुके हैं अब हम एक बिल्कुल नई जगह पर। बहुत ही जल्दी बताइए कहाँ हैं। और ये देखो बड़े तरीके से, और ये बस हमारा इंतज़ार कर रही है, हमें ले जाने के लिए खड़ी हुई है। तो जी लगेज का इंतज़ार कर रहे हैं अपना, और ये इस तरीके से यहाँ से अब लगेज आएगा अपना। देखो कहाँ की तरफ आता है, कहाँ की तरफ नहीं आता, आगे से वो तो फेंक के जा रहे हैं भाई। इंतज़ार करते हैं हम। तो जी अभी हम पहुँच चुके हैं, बाल हो रहे हैं हमारे थोड़े से ख़राब, और हम कर रहे हैं अपने लगेज का इंतज़ार। ये इस तरीके से आ रहे हैं यहाँ पर, और देखा भाई बच्चे बैठ जाते हैं इसके ऊपर, आगे की तरफ चले जाते हैं, ध्यान रखना। और अभी दिखाऊँ ये पूरा का पूरा इस तरीके से व्यू रहेगा यहाँ का। और ये स्टेशन पहले, ये रेल मतलब रेलवे स्टेशन कह रहा हूँ, ये अंदाज़ लगाओ कि मैं कहाँ पर हूँ। ये पीछे का बोर्ड देख रहे हो आप, अंदाज़ लगाओ कि सब मैं हूँ कहाँ की तरफ। और बताओ अपना लगेज नहीं आ रहा यार, क्या बातचीत, सबका लगेज आए जा रहे हैं। अरे भैया अपना बैग कब आएगा, अपने बैग का इंतज़ार कर रहे हैं। ये इस तरीके से अपना बैग आएगा जब हम निकलेंगे अपने यहाँ से। तो ये ऐसा लग रहा है जैसे अपना लगेज आ रहा है वो कोने वाला, लेकिन भैया फटा हुआ से हाल में लग रहा है, ये अपना लगेज तो नहीं लग रहा। हाँ भाई है तो अपना ही, फाड़ दिया गया भाई रास्ते में ही। नहीं भाई फाड़ा नहीं है, ये जी अपना लगेज आ गया, ये वाला नहीं है अपना है आगे वाला। ये है जी अपना, ये जी हमारा है। ओके चलो जय श्री राम। देख लो जी ये अपना है, अपना लगेज आ गया, चलते हैं। तो जी अपना लगेज आ चुका है अपने हाथ में, और अब घूम रहे हैं, घूम नहीं रहे भाई, जा रहे हैं। हमारी गाड़ी हमारा इंतज़ार कर रही है, बैठते हैं और चलते हैं अपने डेस्टिनेशन के ऊपर। सर तो गए हैं, ये अपना बैग लगेज लेके चल रहे हैं आगे, और इंतज़ार कर रहे हैं भैया हमारा। और अभी बहुत दूर है यहाँ से, मतलब काफ़ी आगे तक चलना पड़ता है, एयरपोर्ट जो है बहुत बड़ा ही है जैसे कि आप देख पा रहे हो। और अभी आगे की तरफ अभी हमें और चलना है बहुत आगे तक, सी जोन की पार्किंग में जाना है, सी जोन की। ये यहाँ पर सही है, सुना होगा। ये देखो जी क्या मस्त चीज है, क्या बनाया हुआ है, ये मछली की सी, आप क्या बनाइए, ये लंबी लंबी बिल्कुल ही, क्या बात है, बहुत सही। तकरीबन 10 मिनट से अभी भी ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहे हैं। अरे लंबाई ये भी तो बहुत ही ज़्यादा, ये जी हैदराबाद का सबसे लंबा पुल है जो अभी तक ख़त्म नहीं हुआ है, कम से कम 10-15 किलोमीटर चल चुका है इसके ऊपर। In 300 meters, use any lane to turn slightly right onto Inner Ring Road, Masab Tank Road. Wow. हो गया जी, हो गया, ख़त्म हो गया। अरे वाह, शुक्र भगवान का,
ये पुल ख़त्म हुआ था, पुल ही ख़त्म नहीं होकर दे रहा था बिल्कुल भी हैदराबाद का। वाह जी वाह, थैंक यू भाई जी, वाह ख़त्म हो गया। लकड़ी का पुल नाम है इस मेट्रो स्टेशन का। वाह भाई, लकड़ी का तो नहीं है लेकिन ये है तो लोहे का और पत्थर का ना, बहुत बढ़िया। क्या बात, बड़ा लगी ना भाई साले, मेट्रो स्टेशन का हैदराबाद का मेट्रो स्टेशन है। अब हैदराबाद मेट्रो स्टेशन का नाम सुन लो जी, लकड़ी का पुल। वाह भाई वाह। तो जी ये अपना रूम नंबर है और ये अपना रूम है, जैसे कि आप देख पा रहे हो यहाँ पर टीवी लगा हुआ है, यहाँ पर सोफे हैं और यहाँ पर ये अपना शीशा है और सामने हम हैं। कैसे लग रहे हैं भाई बताओ, सही है, बड़े लग रहे हैं। हम आए जी हैदराबाद के अंदर, तो जी स्वागत नहीं करोगे हमारा, है बढ़िया, बहुत बढ़िया। हैदराबाद में यहाँ आ गए, मौज है जी। तो जी अभी हम हैं हैदराबाद के अंदर, ओके, थोड़ा सा शुरू सही लग रहे हैं भाई, लाइटिंग हल्की है ना यहाँ पे हल्की, इसलिए ऐसे दिख रहे हैं। ये जी अपना रूम देख लो, बहुत बड़े तरीके से इंजॉय कर रहे हैं।